5.16 बढ़ते, बहुत ही बढ़िया सा ही है, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा कैलसी लेके रेडी रहना, मैं जो बोलूँ मुझे आंसर देने ही पड़ेंगे। सपोज आपने बलून देखा होगा कि यहाँ पे जो है, सपोज यहाँ पे पूरी एयर है, ये वाओ स्काई ब्लू एयर, वाओ ये पूरी कौन है बच्चों, ये पूरा स्काई और यहाँ पे पूरी एयर है, ये वाओ जबरदस्त है ना। अब आप क्या कर रहे हो मैं आपको बता दूं, आप जो है वो यहां से एक बलून लेके उड़ रहे हो। बलून कहां तक उड़ पाएगा आपको पता है, उसके ऊपर पेलोड के ऊपर डिपेंड करता है। पेलोड क्या होता है वो मैं बताऊं, ये अपनी जितनी एयर को डिस्प्लेस कर पाना चाहिए। सपोज ये बलून है, आप यही बलून मेन लेना है तो छोटा होता है, अब देख सकते हो तो दिख भी नहीं रहा मेरे पीछे, समझ रहे हो, ये बलून है। अब आप थोड़ा सा समझो कि जब ये बलून ऊपर की ओर जाएगा, ये कब तक ऊपर जाएगा पता है, ये जब तक एयर को डिस्प्लेस कर सके, इसको बोलते हैं पेलोड, समझे आप बात, उसको क्या बोलते हैं पेलोड। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली पेलोड, पेलोड ये होता है कि भाई वो कब तक चलेगा, मीन यहाँ पे डिफरेंस होना होता है वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड एयर, डिस्प्लेस्ड सर वो एयर कौन सी, उसके अंदर की कि बाहर की? बच्चे बाहर की है, अंदर तो हीलियम गैस भरा पड़ा हुआ है, समझा तू, अब ये ऊपर आ रहा है। अब तू सोच ये ऊपर आएगा तो पहले तो क्या करेगा, ये जब ऊपर आएगा तो इतना एरिया जो है वो यहां से वो इतनी एयर को डिस्प्लेस कर देगा अपने आसपास, समझा बात। सपोज ये यस इसमें, सपोज ये इसमें आ रहा है, इतनी एयर उसने क्या कर दी होगी, थोड़ा सोच के बताओ, इतनी एयर उसने क्या यस कर दी होगी, डिस्प्लेस। साइड मिले और खुद क्या हो गया होगा वो इसके अंदर, और खुद क्या हो गया होगा वो इसके अंदर आ गया होगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये वाला पूरा। यस अब ये बलून यहाँ पे पूरा आ गया, समझे बात, तो सर वो एयर किधर गई, अपने आसपास वाली एयर, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, अपने आसपास वाली एयर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ऐसे आ गई, देखो आया ना, यहीं पे चली जाएगी ना अपने आसपास, तो डिस्प्लेस होती है वो। ओके तो बात ये होती है कि यहाँ पे आपको पेलोड किसको बोलते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस वेट ऑफ बलून, वेट ऑफ एंटायर बलून। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपको यहाँ वेट डिस्प्लेस्ड ये अब ये ढूंढना कैसे है, अब हमें वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पेलोड आपको समझ में आ गई बात, पेलोड किसको बोलते हैं कि वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड एयर माइनस क्या करना है, वेट ऑफ बलून करना है, नाउ इज इट क्लियर। अब वो यस कैसे ढूंढना है, अब वो कैसे ढूंढना है वो हम लोग देखते हैं। ओके ओके यस सर चलो, यस सर अभी का एक बात बताओ, कितने वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस हुई होगी, कितने वॉल्यूम की एयर यहां से डिस्प्लेस हुई होगी, अब थोड़ा सोच के बताओ, चलो फटाफट से सोच के बताओ। जितना बलून का होगा उतनी फोर जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बलून, दैट ऑलरेडी आई हैव रिटन, यस और नो। कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर, चलो भाई मुझे आर की वैल्यू मिल गई, कितनी है बताओ, आर इज यहाँ पे छोटा छोटा लिखता जाता हूँ, आर कितना दिया उन्होंने मीटर में दिया हुआ है 10 मीटर, यूनिट में याद रखना है, एक बार मैंने 2 लेक्चर बिगाड़े थे यूनिट के पीछे पहले साल, 10 मीटर। फिर मास जो है वो 100 kg है, किसका मास पता है, इस बलून का जो कोटिंग है, मास ऑफ 100 kg इज फिल्ड विद हेलियम। ओके ये जो मास है कवर का मास है, 100 kg है, किसके कवर का मास है, सर, हाँ ये जो वेट ऑफ ऊपर जो पेलोड में वेट ऑफ बलून है तो वो सिर्फ मीन्स वो क्लॉथ होता है बलून का उसका मास की एयर के साथ जो पूरा पूरा नीचे मीन्स पूरा पूरा वो पूरा पूरा एयर के साथ पूरा, ये कवर है मां, ये कवर का मास है, मास ऑफ कवर आपको लिखना है तो लिख देना, सी लिख देता हूँ वैसे आपको याद रहे, कवर का मास 100 kg है। फिर अभी हीलियम देखते हैं कि इन्होंने क्या भरा पड़ा उसमें, हीलियम प्रेशर कितना है, 6 1.66 bar पे, अब इन्होंने इसमें हीलियम भरा पड़ा हुआ है,
टेम्परेचर कितना है बताओ, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 300 केल्विन। अब देखो आर की डेंसिटी दी हुई है, ये जो एयर है ना जो उसके आसपास हमने डिस्प्लेस करवाई है ना, उसकी डेंसिटी दे रखी है। उसकी डेंसिटी कहाँ काम में आएगी देखेंगे हम लोग। ये है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब यूनिट आपको अच्छे से लिखना है सभी। एंड आर की वैल्यू देखो यूनिट के साथ देखना, आर इज इक्वल टू 0.083 क्या है, बार इंटू डीसी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बार इंटू डीसी मीटर क्यूब फिर डिवाइडेड बाय केल्विन इंटू मोल, केल्विन इंटू मोल। ओके ओके, अब थोड़ा सोचो आप, रेडी हो सब? Yes, तो पहला पॉइंट देखते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस एयर कैसे निकालते हैं। चलो थोड़ा सोच के आंसर देना मुझे, मुझे निकालना है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एयर का, एयर के सब एक ही चीज दी हुई है डिस्प्लेस एयर की, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं अभी, डेंसिटी दी है, अगर मैं वॉल्यूम ढूंढ लू तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मिल जाएगा। यस और नो? यस। आप शांति से देखो, अच्छा सा आंसर देना। आर कितना है, 10 मीटर है, सब कुछ उसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से बताओ। वी कितना आया, वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम ऑफ बलून या फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ बलून उतना ही होता है जितनी एयर डिस्प्लेस करता है वो। बताओ कितना आएगा अभी, 4186.67। कितना, 4186.67। और यहाँ पे क्या लिखूं, मीटर क्यूब लिखूं ना, मीटर क्यूब। ओके यस और नो? यस। अब बताओ क्या होगा एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताऊं तो सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ेगा। नाउ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आप ही बता दो। 4186.67 इनटू डेंसिटी कितनी है बताओ, 1.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर स्क्वायर है तो आंसर आएगा किलोग्राम में। बताओ कितना आ रहा है आंसर, 0.004। बताओ कितना, 5024.004। ये कितना केजी आ गया आपका पक्का? सर किसका वेट मिला, डिस्प्लेस्ड, देखो पक्का यही है ना, फिर गलती नहीं होनी चाहिए वरना पूरा वापस करवाना पड़ेगा। हाँ सर यही आया। अब तक मैंने क्या किया उसको, आपको बात समझ में आई, मुझे डिस्प्लेस एयर ढूंढनी थी इस बलून की, तो मैंने क्या किया कि भाई वेट ढूंढना है ना डिस्प्लेस्ड एयर का, तो पहले बताओ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसकी डेंसिटी है 1.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो वेट ऑफ बलून कैसे निकलेगा, लिखते रहना साथ में, वेट ऑफ बलून कैसे निकलेगा बताओ, बलून का वेट तो सर 100 केजी उसका कवर है और प्लस जो हीलियम गैस है ना उसका वेट है ना, यही बोल सकते हैं ना हम लोग कि नहीं बोल सकते, बताओ है ना, बोल सकते हैं। यस तो वही करने वाले हम लोग, वेट ऑफ बलून इज इक्वल टू वेट ऑफ बलून इज इक्वल टू वेट ऑफ कवर 100 केजी वेट ऑफ हीलियम गैस। अब बात करते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो ये तो मिल गया 100 केजी है, अब वेट ऑफ हीलियम गैस ढूंढना है, फॉर हीलियम गैस, अब हम हीलियम गैस के लिए आगे बढ़ते हैं, फॉर हीलियम गैस क्या होगा बताओ, पीवी इज इक्वल टू एन की जगह क्या लिख सकता हूँ,
वेट बाय मोलर मास। यूनिट का मैं आपको बहुत अच्छा सा सिखाऊंगा, अभी देखना। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी एम बाय आर टी। अब देखना अच्छे से। अब देखो प्रेशर है वो किस में है, देखो प्रेशर कितना दिया उन लोगों ने, बार में है, कितना है में। कितना है 1.66 बार है ये। ओके बार। ओके वॉल्यूम किस में है, देखो मीटर क्यूब में कितना है बताओ। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हीलियम 4186.67 ही है ना ये, मीटर क्यूब है। फिर m कितना होगा, m कितना होगा, m 4 ग्राम पर मोल। बट मुझे है ना, मेरा वेट सभी केजी में है, तो मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो इंटू 10^-3 केजी। आगे आपको पूरी बात समझ, मैंने क्या किया हो यहाँ पे, मोलेक्युलर वेट होता है हीलियम का 4, इट्स अ 4 ग्राम पर मोल, लेकिन मुझे ग्राम नहीं चाहिए, मुझे केजी चाहिए। तो 4 × 10^-3 केजी पर मोल। इज इट क्लियर, है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे है ना 0.083। अब यहाँ पे आता है बार इंटू डेसीमीटर क्यूब है, मुझे डेसी का क्यूब नहीं चाहिए, मुझे मीटर क्यूब चाहिए। तो डेसी का क्यूब है तो मैं क्या करूंगा, 10^-1 का क्यूब लिखूंगा यहाँ पे। आप समझो थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय केल्विन इनटू मोल, और लास्ट में आएगा आपका टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर बता। 300 केल्विन। तो अब आप थोड़ा सा सोचो मैंने क्या किया, मैंने दो जगह की यूनिट में बहुत खासा मतलब बहुत ही स्पेसिफिक मैंने दिया कि जो एम है वहां पे केजी में कन्वर्ट करना था, और ये आर एम वहां पे जो डेसी मीटर क्यूब आता है, तो उस डेसी जो होता है 10^-1 उसका क्यूब कर देना है, तो यहाँ पे आपको मीटर क्यूब मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, बार बार कैंसिल हो जाएगा, फिर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर कौन कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 1/mol, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, फिर केल्विन केल्विन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कौन बचा बताओ, सिर्फ कौन बचा सर, मोल मोल तो कैंसिल होगा, मोल तो हाँ हो जाएगा। और कुछ चलो आप वेट बताओ, वेट कितना हुआ बताओ, वेट कितना हुआ मुझे बताओ, चलो फटाफट से। 1166.44 केजी, राइट? सो नाउ, सो नाउ टोटल वेट ऑफ बलून इज इक्वल टू, बताएगा कोई कितना आ जाएगा, बताएगा 6.44। हाँ तो यहाँ पे तो 4 आएगा ही आएगा, 0.6, फिर आएगा 1, फिर 1 और 2, नहीं 2-1 आएगा, वही 2-1 राइट। देखो तो एक बार सर, 1-2 आएगा, 1-2 आएगा, चाय नहीं पिए, 1-2-1-6 राइट। यस सर। केजी, अगर अब आपको पेलोड ढूंढना है, आपको दोनों चीज मिल गई, अब आप सोचो पेलोड इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं बताओ, पेलोड इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, 5 समथिंग ना, कुछ याद नहीं है मुझे, 5024.004 बोलो तो कितना, 5024.004 चलेगा, तब तो जीरो ही गिनो, 1216.44 बताओ, व्हाट विल बी द आंसर, केजी में क्या आंसर आएगा बताओ, आंसर बताओ अच्छे से, थ्री एट
थोड़ा सा वेरिएशन आएगा आर की वैल्यू या फिर उसके पे भी, इट्स ओके, यही आपका राइट आंसर होगा. ओके, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा आपके पीछे और इसके वाले आंसर में, बट इट्स ओके. लेकिन आपको पूरा समझ में आ गया हमने किया क्या एग्जैक्टली, क्या आपके पूरी बात समझ में आ गई हमने क्या किया. तो इसीलिए मुझे पूरा, मैंने पीछे भी वे रखा है बलून, यहाँ पे भी रखा, जिससे आपको पूरा दिमाग में आ जाए. इससे तो बहुत बढ़िया सा मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने की कि किस तरह से आप समझ सकते हो कि पेलोड क्या है. पहले तो ये सीखना होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेलोड. हाँ बोलो. तो इसमें जो इंसान होते हैं उसका वेट क्या माइनस करना है. ये तो ना हमने... देखो बात ये इनको इन लोगों ने गिना नहीं है, इनको इन लोगों ने पूरा बलून लिया हुआ है, अदरवाइज इस वे को भी साथ में इंक्लूड करना पड़ता है. यस, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा mg फोर्स लगता है, नीचे की ओर mg फोर्स लगता है, समझे बात. यस, ऐसा होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. चार्ल्स था ना, चार्ल्स, उसने सबसे पहले उड़ाने की ट्राई की थी, मींस वो ट्राई कर रहे थे कि कैसे उड़ा जा सकता है, उसके लिए उन्होंने सभी ये लो बनाए थे, याद है आपको, बलून वाला यहाँ से. चलो 5.7, अब देखो हो गया ना, अभी पूरा लिख लिया ना आपने अच्छे से. ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, कोई भी रेफरेंस बुक्स में ऐसा डायग्राम नहीं देता है, वो ये हमारी इमेजिनेशन है, समझ रहे हो बात आप. यस सर. चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2. टेम्परेचर कितना है बताओ, 31.1 + 273 कितना आ रहा है बताओ, 304.1 केल्विन. ओके, पी इज इक्वल टू 1 bar प्रेशर, आर भी दिया हुआ है 0.083 bar इंटू लीटर डिवाइडेड बाय केल्विन इंटू मोल. ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये मजाक है क्या कोई, वॉल्यूम ढूंढना है, ये तो मेरे को मजाक लग रहा है. इज इक्वल टू एनआरटी, सर मोल नहीं दिया हुआ है, टेंशन क्यों ले रहा है तू. हो गया ले, क्या किया सर, पता नहीं चला, पता नहीं चला सर क्या किया आपने, बताओ बच्चों. चला सर, पता चला, मोल की जगह सिर्फ क्या लिख दिया, वेट अपन वेट बाय मोलर मास. यस, वेट बाय मोलर मास लिख दिया हमने. ओके, यस और नो, आया ना सर. ओके, रेडी, आगे बढ़े थोड़ा, आगे बढ़े थोड़ा. यस सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो, ओके, तो यहां से आप गिन लोगे ना सेल्फ. ओके, चलो नेक्स्ट है 5.18, 2.9 ग्राम ऑफ गैस, चलिए वेट ले लेते हैं 2.9 ग्राम ऑफ गैस, कौन से टेम्परेचर पे बताओ, 95 + 368 केल्विन. पक्का? यस सर. फिर ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, ये उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सामने भी एक है, ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम ऑफ 0.184 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन. चलो यहाँ पे T 1 कर देते हैं, V कर देते हैं, W 1 कर देते हैं, यहाँ पे W 2 कर देते हैं, ये W 2 है, ठीक है, फिर कौन है, V तो सेम ही है, फिर टेम्परेचर 290, T 2 कितना है, 290 केल्विन, 298. ओके, किसका फोन बज रहा है यार, चलो फिर 298 केल्विन, अब बताओ क्या होगा. 70 मतलब 298 होता है, 70 मतलब 290 केल्विन टोटल, 2 290 केल्विन, व्हाट
टोटल ना दोनों का मिला नहीं? हाँ सर दोनों का मिला के। चलो ओके, फिर क्या है बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर? सेम प्रेशर दिया, सेम प्रेशर पी है, दोनों का प्रेशर पी है क्या? ओके ले मारे कोर्स न थी इमे कोर्स न करो मारे। ओके अब करना क्या होता है वो बताओ एग्जैक्टली। अरे यार ये कोई बच्चा म्यूट, ये खुशी डुंगरानिया है, डिस्टर्बेंस मत करो मुझे, ये को डिस्टर्ब करते दूसरे आ जाते हैं। अब सुनो यहाँ पे आता है PV is equal to W1 R T1 by M1। ढूंढना क्या है वो तो पता ही नहीं चला मुझे तुम्हारे चक्करों में। मोलर मास, मोलर मास ढूंढना है ना। अब देखो दोनों PV तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, तो उन दोनों का मैं इक्वल कर देता हूँ। सो W1 R निकल जाएगा, समझ रहे हो, T1 by M1 is equal to W2 R निकल जाएगा T2 by M2, M2 होता है डाइहाइड्रोजन का मोलर मास। चलो W1 कितना, ढूंढना M1 को, M1 को सब्जेक्ट बना देता हूँ। M1 is equal to W1 T1 M2 divided by W2 T2, okay? Yes or no? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो W1 कितना है वो सोचो, यहाँ पे W1 कितना है? 2.9। T1 कितना है? 368। M2 कितना है? 2 divided by W2 कितना है? 0.184 into T2 कितना है? 290। देखो क्या आंसर आया, 40। ये आंसर आया आपका, समझ गया आप बात? यस और नो है ना? यस सर, यस सर। ओके ये तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम थोड़ी गैस है, क्या हुआ? 40 जो मोलर मास है वो तो कैल्शियम का हुआ ना? जरूरी नहीं है ना, किसी और का भी हो सकता है। ओके CO2 है तो 44 है, CO है, CO का भी कुछ नहीं होगा, CO का NO2 हो सकता है, N2 हो सकता है, कई सारे गैस है बच्चे। ओके चलो नेक्स्ट। और सुन केमिस्ट्री वाले ऐसे होते अगर कोई ना मिले ना तो लास्ट में बोल देंगे कैसे कैल्शियम को बहुत हीट करोगे तो वो गैसियस फॉर्म में होता है तो उड़ा सकता है, समझे? जुगाड़ लगा देने का मतलब एक बोल सकते हैं मतलब चलो ओके। तो ये अब देखो इतना ही करते हैं, एक लास्ट कर लेते हैं वैसे। सर अब नहीं करते, कल करेंगे, मंडे करेंगे, मंडे करेंगे सर। ओके आवाज।